कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारतीय सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया है, जिससे चाइना को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत हर साल तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का स्पेशल ग्रेड स्टील विदेशों से इम्पोर्ट किया करता था, जिसमें से मैक्सिमम हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे। स्पेशलिटी स्टील तो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मिलिट्री इंजीनियरिंग जैसे बहुत ही की और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। ऐसे में स्पेशलिटी स्टील के लिए चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस को खत्म करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। स्पेशलिटी स्टील जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे, उसके ऊपर तो खैर भारतीय सरकार ने निर्णय ले लिया, लेकिन अब नॉर्मल स्टील को लेकर भी भारतीय सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। हम यहाँ पर सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट होने वाले स्टील के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि भारतीय सरकार ने भी बस चाइना को एक दिवाली गिफ्ट दिया है, यानी चाइना को एक झटका दिया है। दुनिया भर के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भारत चाइना के बाद नंबर 2 पर आता है, लेकिन दोनों देशों के बीच डिफरेंस की बात करें तो चाइना भारत से तकरीबन 10 गुना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। यानी अगर भारत 1 मैट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस करता है तो चाइना उसके मुकाबले 10 मैट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस कर लेता है। चाइना को दुनिया से कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में जो स्टील प्रोडक्शन होती है उसका तकरीबन 57% यानी 57% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। ऐसे में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई होने के कारण चाइनीज स्टील का प्राइस बेहद कम होता है, जिसकी बदौलत फिर चाइना हर साल अपने स्टील को भारत के स्टील से कम प्राइस पर सेट करके हमारी मार्केट में डंप किया करता था, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक स्टील मार्केट डिसरप्ट होती थी। डोमेस्टिक स्टील मेकर्स की कई सारी कंप्लेंट्स के बाद भारतीय सरकार ने साल 2017 में चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले कई सारे स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, जो कि साल 2021 में एक्सपायर होनी थी। फिलहाल भारतीय सरकार इस चीज को रिव्यू कर रही है कि क्या चाइनीज स्टील आइटम्स के ऊपर लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको हटाया जाए या फिर नहीं, और अगर नहीं तो फिर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के दायरे में रहकर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे कैसे लगाई जा सकती है, क्योंकि चाइना कई बार ये मुद्दा WTO में उठाने की धमकी भी दे चुका है। फॉर द टाइम बीइंग ये एंटी डंपिंग ड्यूटी भारतीय सरकार ने अगले साल जनवरी के महीने तक बढ़ाई थी, लेकिन अब शायद मोदी सरकार को चाइना के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर लंबे समय के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का रास्ता मिल ही गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने भारतीय सरकार को रिकमेंड किया है कि चाइना से आने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को साल 6 महीने के लिए नहीं बल्कि सीधा 5 साल के लंबे समय के लिए थोपा जा सकता है। जिन चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने की रिकमेंडेशन दी गई है, उनमें स्टील की रॉड्स, स्टील बार्स, आयरन, अलॉय स्टील और नॉन अलॉय स्टील की हॉट रोल कॉइल्स वगैरह स्टील प्रोडक्ट्स शामिल हैं। भारत क्योंकि WTO का मेंबर है, ऐसे में हमें WTO ने जो ट्रेड नॉर्म्स और एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए रूल सेट किए हैं, हमें उनके दायरे में रहकर ही चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपनी है, वरना चाइना फिर हमें WTO में घसीट सकता है। जिसके बाद DGTR ने इसका भी तोड़ निकालते हुए भारतीय सरकार को रिकमेंड किया है कि चाइना जो भी स्टील प्रोडक्ट्स भारतीय मार्केट में डंप कर रहा है, अगर उनकी कीमत 546 यानी 546 डॉलर्स पर टन से ऊपर है तो फिर उनके ऊपर हम कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और अगर लैंडेड वैल्यू का डिफरेंस इससे कम है यानी 546 डॉलर पर टन से कम है तो चाइना के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो स्टील प्रोडक्शन में बेशक हम चाइना को कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चाइना वर्ल्ड वाइड स्टील प्रोडक्शन का 57 यानी 57% अकेले प्रोड्यूस करता है। ऐसे में हम बाकी देशों को ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट बेशक न कर पाए, लेकिन हम कम से कम अपने डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स को तो बचा सकते हैं, ताकि वो इस हालत में तो रहें कि भारत की जो स्टील डिमांड है वो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स ही पूरी कर लें, वरना एट द एंड हर साल की तरह भारत के एक्सपोर्ट का फिगर ही बढ़ता रहेगा। DGTR ने भारतीय सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेज दी है, और बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगले साल जनवरी से पहले ही इसको लेकर एक फैसला भी आ जाए, क्योंकि जो भी चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है वो अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगी, यानी जनवरी 2022 में ही खत्म होगी। खैर, क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।